जगहों पे अपने दिल को देखो, लगदा है या घबरा रहा है। عند سماع القرآن, कुरान के सामने बैठ के देखो, दिल लगता है या घबराता है। फी मजालिस ज़िक्र, ज़िक्र की मजालिस में बैठ के देखो, दिल लगता है या घबराता है। फी औक़ात अल-ख़लवा, तन्हाई में बैठ के देखो, दिल अल्लाह के लिए कुछ तड़पता है या घबराता है। फ़इन लम तजिदहु फ़ी हाज़िहिल मवातिन, अगर तेरा दिल क़ुरान से घबराए, अल्लाह की याद की मजालिस से घबराए, तन्हाई में घबराए, तो सलिल्लाह अन यमुन्ना अलैका बिक़ल्बिन फ़इन्नहु ला क़ल्ब लक, तो फिर अल्लाह से मांग, अल्लाह तुझे दिल अता फ़रमाए, तेरा दिल मर चुका है। दिल की तीन बड़ी श्रियाने होती हैं। मुझे स्टेंट पड़ा ना, वो भाई भी डॉक्टर है दिल का, तो काफ़ी सारी मालूमात उसके ज़रिए से थी, फिर ख़ुद स्टेंट पड़ा और हो गए। दिल को सप्लाई देने वाली तीन बड़ी श्रियाने, तो वो एक बंद हो तो स्टैंड डालते हैं, दो बंद हो फिर भी कोशिश करते हैं, तीनों बंद हो तो फिर ऑपरेशन ही करते हैं। और ये खून दिल को सप्लाई देने वाली हैं, ये बंद हो जाए तो मौत है। तो वो दिल जो मेरे नबी बता रहे हैं, उसकी भी तीन श्रियाने हैं। मैं अभी, मुझे वो मुनासबत एकदम जहन में आ गई, पहले नहीं थी, कि मेरे हमारे डॉक्टर बताते हैं कि दिल की मेन सप्लाई, वैसे तो बहुत सी रगें हैं लेकिन तीन बड़ी रगें हैं। इधर मैं क्या हदीस सुना रहा हूँ कि दिल के मुर्दा और ज़िंदा होने की भी तीन निशानियाँ हैं। यानी वो दिल जो रूहानियत वाला है, उसके लिए भी तीन पाइपलाइन जा रही हैं। एक कुरान है, एक ज़िक्र की मजालिस हैं, और एक तन्हाई में अल्लाह की याद है। अगर तीनों बंद हैं तो दिल मर चुका है। वो चाहे बादशाह है, चाहे आरपीओ है, चाहे मौलाना है। और अगर तीनों जिंदा हैं तो ये दिल सेहतमंद है, नूरानी है और अल्लाह का महबूब है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरकुम वला इला अमवालिकुम, अल्लाह ना तुम्हारे माल देखता है, ना तुम्हारे पैसे को, ना तुम्हारी शक्ल को देखता है। वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिल देखता है और तुम्हारे अमल देखता है। तो इरशाद फरमाया, अगर तेरा दिल कुरान में नहीं लगता, कितने लोग हैं ज़िंदगी भर कुरान उठा के भी नहीं देख रहे, बस मुर्दों के लिए रख दिया है, मौली साहब आ जाए ख़त्म पढ़ छे, मुहर्रम में कोई हाफिज़ बिठा देते हैं कब्रों पे, जा भाई साढ़े प्यो दी कबर से कुरान पढ़ते हैं, आप कुल वल्ला पढ़ने की तौफीक नहीं होती, तो हाफजा में जाके भाया हों, मुहर्रम में जाते हैं ना, एक रस्म है, अच्छी रस्म है, खबरें ताज़ा हो जाती हैं, कुछ बुज़ुर्गों के लिए साल सवाब हो जाते हैं। तो कितने लोग हैं साल हा साल गुजर जाते हैं कुरान उठा के नहीं देखते, एक रग तो पूरी बंद होती, अल्लाह की याद की मजालिस में नहीं जाते, दूसरी रग पूरी बंद होती, तनहा बैठ नहीं सकते, घबराने लगते हैं, कभी टीवी ऑन करते हैं, कभी मोबाइल ऑन करते हैं, हालांकि वो तन्हाई अल्लाह से बात करने का वक्त होता है। तो भाइयों, इस मुर्दा दिल के साथ कोई मर गया तो मौत बड़ी खौफनाक चीज़, मौत से खौफनाक कोई चीज़ नहीं है फिर। और ज़िंदा दिल लेकर अगर मौत आ गई तो मौत से खूबसूरत कोई तोहफा नहीं, इससे खूबसूरत कोई